नमस्कार एनडीटीवी के खास शो मध्य का मन नेताजी के घर पर मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में विदिशा लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बुधवार को उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। शिवराज सिंह चौहान और भानु प्रताप पहले भी टकरा चुके हैं, अब 33 साल के बाद फिर से दोनों आमने सामने हैं। हालांकि विदिशा का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। यहां पर पहले भी कई दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम शामिल है। देखिए हमारा खास शो मध्य का मन। जैसे जैसे गर्मियों का पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही राजनीति में भी अपना पारा बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा की लोकसभा सीट पे और हम एनडीटीवी के खास कार्यक्रम मध्य के मन में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं हूं नवेद खान। विदिशा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी वीवीआईपी सीटों में गिनी जाती है। इसका अपना एक खास महत्व है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से बात करें या धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी से। यह वही विदिशा लोकसभा सीट है जो सांची के बौद्ध स्तूप दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। सांची के बौद्ध स्तूप हो या विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं, राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से विदिशा लोकसभा सीट का खास महत्व है। विदिशा लोकसभा सीट ने देश भर को कई दिग्गज नेता दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो इसी विदिशा से सांसद रह चुके हैं। देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसी विदिशा से सांसद रह चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। एक बार फिर भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। आइए हम विदिशा के वासियों से उनके मन की बात जानते हैं। क्या विदिशा लोकसभा सीट इतने दिग्गज देने के बाद भी जो कुछ विदिशा को मिलना था वो कुछ मिल पाया है या नहीं? क्या नाम है आपका? वाजपेयी। अच्छा, क्या करते हैं आप? इधर ऑटो चलाते हैं? कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप ऑटो? विदिशा में कहीं नहीं जा रहा। कैसा सांसद देखना चाहते हैं आप? शिवराज सिंह बढ़िया। शिवराज सिंह अच्छे सांसद है। अच्छे सांसद। और क्या करना चाहिए शहर के लिए? बस कुछ नहीं, मुझे हो रहा है तो बढ़िया हो रहा है। बीजेपी के राज में इतना हुआ है और इतना विकास हो रहा है, हर व्यक्ति खुश है और हम भी बहुत खुश हैं। शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला भी कहा जाता है। जी, गृह जिला भी है उनका। और गढ़ी अपना विधि से ही नेताओं का गढ़ है। यहाँ से जो भी नेता बनते गए हैं विदिशा का बहुत विकास किया गया है। और कुछ कमी हो और क्या होना चाहिए? कमी तो कुछ नहीं है। आपके नजरिए? मेरे नजरिए से इसको नगर निगम होना चाहिए विदिशा के। नगर निगम? जी बिल्कुल। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? सचिन पाल। नितिन पाल? सचिन पाल। सचिन पाल जी, सचिन पाल जी विदिशा से ही हैं आप? जी। अच्छा, कैसा सांसद देखना चाहते हैं? पहले का सांसद देखना चाहते हैं जो विकास करे। अच्छा, और क्या होना चाहिए शहर में? शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर ध्यान हो, ज्यादा फालतू काम ना हो। ठीक है, डेवलपमेंट तो कोई भी सरकार करती है, सड़क बिल्डिंग कोई भी सरकार बनाती है। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर मध्य में रहेंगे तो ज्यादा विकास। तो अगर स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो विदिशा में क्या बेहतर नहीं है स्वास्थ्य शिक्षा? ग्रामीण इलाके में काफी कम है, शहर में तो अब कोई भी पालक अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा के अच्छी शिक्षा दिलाई देगा। लेकिन कुछ गरीब हैं जो गांव में रह रहे हैं, उन सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आओ है ना, क्या मन में है, कितना और क्या होना चाहिए शहर, कैसा सांसद देखना चाहते हैं? अब वो देखिए मुकद्दर में वो बैठे को साहब, तुम्हारे हमारे कैबे से भी क्या होता है? अब जय चुनाव में कहते के भार्गव कांग्रेस आई, कांग्रेस आई, जनता पार्टी खाए आए। और मतलब ऐसा सांसद और क्या होना चाहिए शहर में? सांसद बैठे को शिवराज सिंह बैठे। अच्छा, ऐसा सांसद देखना चाहते हैं? जी, ऐसा सांसद होना चाहिए, क्या करे गाँव के लिए और शहर के लिए? जी बन रहा है शिवराज सिंह जी, बढ़िया सब। अच्छा, जी अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है और इससे आगे काम अच्छा ही होगा, अच्छा उम्मीद कर रहा है। किस तरह का सांसद होना चाहिए? जैसे जे मोदी सरकार बनी है तो मतलब सबसे थोड़ी थोड़ी तरक्की आई है, सोच रहा है और तरक्की हो। हाँ, तो सब कुछ शहर में विकास हो रहा है, बेहतर है? हाँ, बेहतर तो है, थोड़ा और बेहतर चाहिए।
क्या क्या होना चाहिए? अब क्या बताऊं, वो तो अब सब कुछ परेशानी है। वो तो अब वो परेशानी थोड़ी, अब वो तो सरकार जाने क्या कर रही क्या नहीं कर रही। क्या परेशानी? हाँ परेशानी कुछ नहीं, बस यही परेशानी है, जैसे गरीब लोगों को परेशानी है तो जैसे किसान लोगों को भी है, वो जो किसान नहीं है उनको भी है परेशानी। मतलब वो होना चाहिए, मतलब जो कमी है वो पूरी होना वो होनी चाहिए। मेरे साथ ये अम्मा भी है, ये क्या नाम है भाई आपका? कहाँ जा रहे हैं आप? गजा। अच्छा, गांव से आए विदिशा। कैसा सांसद देखना चाहते हैं? कैसा सांसद होना चाहिए? अच्छा हो, परेशान हो रहा है गरीब लोग, कोई महंगा सौदा हो रहा है, एक तो महंगा सौदा सामान नहीं खा पा रहा गरीब लोग, एक तो महंगा पहले हतो ही नहीं तो हो रहा महंगा सामान। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह विश्वकर्मा। अच्छा, चाय की दुकान लगाते हैं आप? जी। क्या है, कैसा सांसद देखना चाहते हैं आप? सांसद अपन बीजेपी का ही देखना चाहते हैं। हाँ। कैसा सांसद हो, क्या शहर के लिए विकास करे, क्या कमी है? शहर के लिए विकास करे, गरीबों का काम करे, ऐसा सांसद हो कोई। और क्या, शिवराज सिंह मामा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और क्या कमी है? और कोई का कमी है, बस स्टैंड पे साफ सफाई नहीं होती है। हमें शिवराज सिंह मामा नहीं है। अच्छा, शिवराज सिंह के अलावा और कोई नहीं चाहिए? नहीं। कैसा सांसद देखना चाहते हैं आप? कैसा सांसद होना चाहिए आप? बीजेपी का होना चाहिए। हाँ। क्या आपके गांव में सारा कुछ विकास हो चुका है, सड़क बिजली पानी सब कुछ है? सब है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं विदिशा की कृषक उपज मंडी में। यहाँ किसानों का सीजन चल रहा है, लगातार किसान दूर दराज से आ रहे हैं और अपने ट्राली लगाए हुए हैं। चुनाव कोई भी हो पर किसानों की अहम भूमिका होती है। आइए, हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनके मन की बात जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह गांव। किस गांव से आए आप? मुंगरा, सारे मुंगरा। फसल लेके आए? काय की फसल लेके आए? इसी। अच्छा, इसी लेके आए तो मुंगरा गांव से इधर ही लगती है आपकी? हाँ जी। तो ये चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, तो क्या मन है, किस तरीके का सांसद देखना चाहते हैं? अपने काम करवा और का अपने किसानों के हित में हो। किसानों की क्या खास मुद्दे रहते हैं? किसानों को जो ये खाद बीज है, डीजल महंगा हो रहा है और भी कई समस्या है। चुनाव कोई भी हो, किसान की अहम भूमिका रहती है ना। किसान, आप देखा है चाहे विधानसभा में भी या लोकसभा में, किसानों के वादे तो किए जाते पर किसान हमेशा परेशान है। परेशान, ये बात सही है, बिल्कुल परेशान रहता है, उसकी कोई सुनता ही नहीं, चिल्लाता है उससे, चिल्ला के बैठा रह जाता है, क्या करे। तो क्या अपेक्षा रखते हैं आपके सांसद हमारी बात पहुंचाए, क्या खास मुद्दे हैं? खास मुद्दे हम लोग यही है कि खाद भी है, डीजल महंगा हो गया है, कोई भी मशीनरी है जो भी वो भी महंगी है, ट्रैक्टर ट्राली मशीन मोनी कल्टीवेटर थ्रेसर सब तो महंगा ही है। मेरे साथ और किसान भाई है, ये आप किस गांव से आए हैं? हम ग्राम तो महना। अच्छा, तो कब आज ही आए हैं? दो दिन हो गए। अच्छा, दो दिन हो गए। किस फसल को लेके आए? गेहूँ को। गेहूँ को लेकर आए। आप देख रहे हैं आपके किसानी का सीजन भी चल रहा है और चुनाव का सीजन भी है, तो दोनों मैनेज करना है। क्या खास मुद्दे हैं किसानों के, तो क्या अपेक्षा रखते हैं किसानों के? तो मुद्दे ये हैं, जैसे सरकार ने बोला 2700 गेहूं लेंगे, झूठ बोल दिया उसमें, 2400 कर दिया है। मतलब जो बोलते हैं वो करते नहीं है सरकार। जैसे अभी मंडी में अपन खड़े हैं, डाक माँ हो रही, तुलाइयाँ हो रही है, अन्यथा परेशान किया जा रहा है, इतने से कोई विकास का हुआ नहीं। जैसे अब मंडी बन गई तो उसका भी मूलभूत ढांचा सही नहीं है। किसानों की आय कोई बोले डबल हो जाएगी 2022, कहाँ डबल हुई है, आधी कर दी है। डीजल का रेट कहाँ 90 हो गया है, कहाँ सस्ता था डीजल। खाद का रेट देखो, हर साल 100 रुपये बढ़ा ही रहे हैं, 1350 कर दी DAP की बोरी, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, सिर्फ गेहूँ का रेट छोड़ के। इन्हें बोला 2700 लेंगे, कहाँ लिया है इन्हें 2700, झूठ बोल रहे हैं। अब हर चीज़ में ही झूठ बोलते रहेंगे। बस ये है कि सरकार तो आ जाएगी किसी की भी, लेकिन किसान की सुनवाई नहीं होती, कभी भी नहीं होती है आज तक। और विदिशा से सांसद, किस तरह के सांसद की अपेक्षा? विदिशा से सांसद से तो पहले यही है कि मंडी का प्रॉपर करें, नहीं तो मंडी कहाँ तुल रही है और कहाँ डाक हो रही है, परेशानी है। और रेट बाकायदा मिले थोड़ा सा किसान को सही, जिससे उसकी उपज का उसको सही दाम मिले। कुल मिला के कोई भी सांसद हो, ऐसा सांसद होना चाहिए जो किसानों की बात रखे। बात रखे, किसानों की बात अभी तक कोई नहीं रखता है, सब बोलते हैं, चुनाव आता है चला जाता है, फिर कोई नहीं सुन, बस चुनाव हुआ गए।
अब वो 2000 रुपए देते, 6000 में क्या होता है, क्यों देते हैं, मत दें, रेट तो स्थिर रखें, हमें नहीं चाहिए 2000 रुपए। बिल्कुल, ये खास बहुत अहम मुद्दा है कि किसानों का कहना है कि 2000 रुपए देते हैं या 6000 रुपए देते हैं तो क्यों देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये 6000 रुपए ना देते हुए किसानों का जो रेट है और जो मूल्य है वो प्रॉफर होना चाहिए और किसानों को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। मेरे साथ एक और किसान है जी, आपका मुंह खोलेंगे क्या, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी कहाँ से आए, किस गांव से आए? मुडरा। मुडरा से आए हैं, ट्राली लगी है आपको, आप भी पीसी की फसल लेके आए। ये चुनावी सीजन है, कैसा सांसद देखना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र का? अभी के टाइम पे तो मतलब थोड़ा विकास तो नहीं लग रहा है, जहाँ तक है 3-4 दिन डले हुए हैं मंडी में, ना मंडी हो रही है, रेट भी नहीं मिल रहा है सही। उसके बाद भी अब ये कंडीशन है कि ये हम माल भी भीड़ भी अब रात हो जाएगी यहाँ पे। तो सांसद से क्या अपेक्षा रखते हैं, कैसा सांसद हो जो आपकी बात उठाए, किस तरीके के किसानों के मतलब हित में जो लड़े वो चाहते हैं अपन, तो और क्या चाहते हैं, रेट मिल जाए अपने, थोड़ा खाद यूरिया वगैरह मतलब इसमें थोड़ा अपने मुनाफा हो जाए, बस यही चाहते हैं किसान को। खाद यूरिया, खाद यूरिया में परेशानी होती है मिलने? हाँ, उसमें भी टाइम लगता है, मतलब स्टॉक नहीं रहता है यूरिया का, मतलब गेहूँ के टाइम पे वो भी नहीं मिल रहा था, उसमें भी कमी आ गई थी, तो वो भी मतलब यहाँ वहाँ से किया। फिर क्या फसल लेके आए? चना लाए। चना, चना लाए हैं। कितने बीघा में चना देते हैं? चना अभी 8 बीघा में था ये। अच्छा, ये खेती का सीजन भी चल रहा है और चुनावी सीजन भी। जी जी, आप अपेक्षा रखते हैं किस तरह का सांसद देखना चाहते हैं आप अपने संसदीय क्षेत्र? सांसद अपने पुराने सीएम साहब से, सांसद ही में आए तो उन्हीं को देखेंगे। क्या उम्मीद है उनसे, क्या बेहतर करना चाहिए और किसानों के लिए जो अभी तक नहीं हो सका? गाँव गाँव और रोड का विकास होना चाहिए। गाँव गाँव रोड का, अपन को आय खेती की आधुनिक करना है, वो तो किसान कर लेगा, आप तो उसको रोड और बिजली पानी दो। बिजली पानी दो, वो बाकी मेहनत कर लेगा, कट लेगा फायदा। बिजली पानी अभी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है? मिलता है लेकिन कम मिलता है, कम मिलता है। रोड का विकास नहीं है, खेतों पर पहुंचना मुश्किल होता है बारिश में। तो क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा जी, आप भी साइकिल खेल से? अच्छा, तो किस तरीके का सांसद देखना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र से और क्या उम्मीदें हैं? सेठ जी की वो आप नहीं है साहब? सेठ जी की जो अपनी है, जो सेठ जी की है वही अपनी। मैं कुछ और किसानों से बात करूंगा, मेरे पीछे और भी हैं। ये क्या नाम है आपका भाई साहब? वीरेन नांगे। वीरेन जी कहाँ से आए आप? ये मुलावन से आए, खजड़ा गाँव। अपने सांसद से कितनी उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सांसद से तो अपेक्षाएं तो है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री रहते हुए उनने जो मंडी में दिक्कत आ रही है वहाँ पे तुलाई, मतलब मंडी वहाँ पे हो रही है तुलाई, यहाँ पे आने में दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। और किसानों की अगर बात करें तो किसानों के क्या खास मुद्दे हैं, क्या क्या होना चाहिए किसानों के लिए? किसानों के लिए ये अपना चना का रेट है 6000 से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी जो 2700 ने बोला था वो भी नहीं चल रही है रेट में, और किसी 3000 से कम नहीं चलना चाहिए किसी भी। अभी कुल मिला के फसलों के दामों की बात की जाए तो फसलों के दाम कम मिल रहे हैं। दाम कम है, अहम मुद्दा यही है कि फसलों के उचित दाम, उचित दाम नहीं मिल रहा है, और पैदावार भी इस बार थोड़ी कम हुई है, जो 9-10 के एवरेज से किसी निकलती थी वो इस बार 6 और 7 की निकली है, 1 बीघा में 6-7 क्विंटल। तो अगर बात की जाए कि सांसद ऐसा हो तो आपकी बात रखे? हाँ, हालांकि कहते हैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन उनने वो नहीं कर पाई, उनने 18 साल मुख्यमंत्री कहते हुए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मंडी वहीं तुलाई है, यहाँ ना आना पड़े जी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार डांगी। शिव कुमार डांगी जी, क्या लेके आए हैं? चना। चना लेके आए, किस गांव से हैं? तिलक भदौरा। तिलक भदौरा से कब आए हैं आप इधर? हम आए इस मंडी में या डाक कराने? हाँ, डाक कराने। 3 दिन हो गए। अच्छा, 3 दिन हो गए। खेती का सीजन भी चल रहा है और चुनावी सीजन भी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सांसद से क्या अपेक्षा है आपकी, किस तरीके का सांसद देते हैं? मंडी की कोई व्यवस्था सही नहीं है। हाँ, और 3 दिन में डाक हो रही है, और फिर डाक करा के भी एक दिन में, यहाँ दिन सुबह 10 बजे की डाक हुई, अभी 12 बजे दुकान पे नहीं पहुँच रहा हूँ। नहीं तो आपकी क्या खास मुद्दे हैं, किसानों के और क्या खास मुद्दे हैं? मंडी की व्यवस्था सही हो जाए, जो सुचारू रूप से जो चल रहा है वो सही काम हो जाए। कैसा सांसद देखना चाहते हैं? सांसद तो अच्छा देखना चाहते हैं, जैसा अच्छा मिल जाए काम करने वाला, किसानों के मुद्दे रखे। दादा क्या नाम है आपका? भारत सिंह डांगी। इधर देखे दादा। हाँ,
तो आप भी ट्रायल लेके आए? हाँ। आप किस तरीके का सांसद देखना चाहते हैं? जो काम सही करा वो अच्छे देखना चाहता हूँ, और क्या। और अगर किसानों के मुद्दों की बात की जाए तो क्या खास मुद्दे हैं किसानों के? किसानों की यही समस्या सही हो जाए, और का खेतीबाड़ी और कोई मुद्दे नहीं है। खेतीबाड़ी? हाँ। किस तरीके की खेतीबाड़ी सही होना चाहिए? ये 3 दिन होगा मंडी में पड़े पड़े, न रोटी पानी उपवास का, जो परेशान आप भोजन हो रहे हैं। अगर आपसे बात की जाए तो किसानों के क्या खास मुद्दे हैं और अपने सांसद से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सांसद शिवराज सिंह चौहान जी से बस ये किसान के लिए मतलब ये फसल का सही मूल्य मिलता जाए और दिक्कत परेशानियां जो हैं वो कम हो जाए। मंडी में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मंडी में दिक्कत हो जाती है। हाँ जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सांसद के सामने आप सवाल रखें, ये सांसद हमारी बात किसानों के ऊपर तक पहुँचा है, तो क्या और खास मुद्दे रहेंगे किसानों के, गंभीर मुद्दे हैं? अब वो तो ऐसा है, मैं बताऊं कि वो ये फसल के बारे में कहेंगे हम तो और कुछ नहीं। समर्थन मूल्य तो ऐसा है कि उन्होंने बोला था 2700 रुपए, अब वो 2700 तो नहीं खरीद रहे, 2400 खरीद रहे हैं, तो बोला तो उनने 2700 था। हम तो सीएम साहब से शिवराज सिंह जी से जो बस ये कही अपेक्षा करेंगे कि वो 2700 बोला है तो किसानों के लिए 2700 बनने के बाद मूल्य बढ़ाए जाए। हाँ, मामा बढ़ाएंगे, ऐसी बात तो है, मामा पे विश्वास है, मामा पे विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। आपका क्या नाम है? मेरा कमर सिंह डांगी। कमर सिंह जी, आप भी गांव से आए हैं? जी सर। अच्छा, आप भी चने की फसल लेके आए? जी सर, भाई हैं जी हम। तो आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं किसान से? यही रखते हैं का बस अपने लिए वो मिलता रहे। क्या? अरे जो अपने जो समर्थन जो मूल है जो सब मिलता रहा किसान के लिए, जो परेशान है जो परेशानी मिट जाए, जो मंडी में जो परेशानी आती है जो मिट जाए। आप ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं इधर के लोग कि जो किसानों की समस्या उठा सके और किसानों के मुद्दे दिल्ली तक पहुंचा सके। खास अहम मुद्दा ये है कि किसानों की फसल का मूल्य बढ़ाया जा सके।